नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के भिक्की मोड़ के पास बाइक सवार लुटेरों ने सरे बाजार टीचर से मोबाइल फोन लूट लिया। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के माजरा रोड स्थित एक युवती स्कूल में पढ़ाने को झिंझाना जाने के लिए अपने घर से निकली थी। जैसे ही वह भिक्की मोड़ के समीप पहुंची तो दो बाइक सवार युवकों ने उससे हाथापाई करते हुए मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। मौके पर पहुंचे सीओसीटी जितेंद्र कुमार ने दुकानों के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे की जाँच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि घटना का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। ये गुंजन सैनी नाम की महिला है जो टंकी कॉलोनी जनपद शामली कस्बा शामली में रहती है। ये आज सुबह स्कूल जाते हुए इस पे जो धीमानपुरा फाटक है उसके पास से इसके पीछे दो लड़के बाइक पे आए जिनके द्वारा इसके हाथ से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया गया है और इसकी तहरीर हमें प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अज्ञात अभियुक्त है उनका पता लगाकर गिरफ्तारी करने के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है और मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर हूँ। मेरे द्वारा भी इसमें आवश्यक जो कार्यवाही वो की जा रही है। शीघ्र ही अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मोबाइल सैक्शन। सर, लगातार कितने मामले सामने आ रहे हैं, इसको पुलिस रोकथाम के लिए क्या कर रही है? नहीं, देखिए, चूँकि सुबह लगभग 7:30 बजे की ये घटना है और इसमें उस समय कौन यहाँ पे ड्यूटी पे था, क्या चेकिंग चल रही थी उसकी भी जानकारी करेंगे। सर, और इसमें आगे नहीं, पीछे जो घटनाएं हुई हैं कई घटनाएं यहाँ पर सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है और जो उसमें अभियुक्त रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इस घटना का भी शीघ्र ही खुलासा कर दिया जाएगा।